हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग फिट होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 10.2 करने वाले हैं हमारे सर्कल चैप्टर का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं और इस साल भी आने वाला है। तो पूरा पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम घोल करके पी जाना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बहुत ईजी से एक्सरसाइज है, बेसिक्स एक्सरसाइज है। एक एक बार भी अगर तुम सारे क्वेश्चन के वीडियोज़ को देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन को जो है इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ, पूरा पूरा एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटा सा जो थ्योरम है वो मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। यहां पर आप लोग अगर ये थ्योरम जान जाओगे तो आपको पूरे के पूरी चीजें क्लियर लगेंगी। और पिछला जो मैंने 10.1 थ्योरम बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा वो वीडियो ना, तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत काम का थ्योरम है। ठीक है, तो 10.2 में क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि किसी भी बाहर के पॉइंट से, मान लो कि एक सर्कल है, उसके दूर में कहीं पर एक पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट से हम लोग जब सर्कल में टेंजेंट बनाएंगे तो कितने टेंजेंट बनेगा, तो एक इधर छू करके भागेगा इस वाले पॉइंट Q को, और दूसरा इस वाले पॉइंट R को छू करके इधर से निकल लेगा। तो दो ही हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो हम लोग टेंजेंट बना सकते हैं। और इन दोनों टेंजेंट की खासियत क्या है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये जो PQ होगा और ये जो PR होगा ना, ये आपस में इक्वल होगा। और पिछला जो हमने आपको रूल बताया था जिसमें 10.1 में, अगर तुमने 10.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि 10.1 जो हमारा थ्योरम है उसमें क्या बोला गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो टेंजेंट होता है ना, तो जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, जैसे ये पॉइंट Q जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला है, अगर इस पॉइंट Q से हम लोग रेडियस बनाएंगे, सर्कल के सेंटर को जोड़ करके अगर एक लाइन बनाए जो रेडियस है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनता है। यानी कि ये जो OQ होता है ना, वो PQ के परपेंडिकुलर हो जाता है। उसी तरीके से इधर भी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये R में है, तो जो PR होगा और ये जो OR होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारा 10.1 था। और 10.2 में क्या है कि इक्वल हमारे होंगे। तो ये दो चीजें हैं और इन्हीं का यूज करके तुम्हारा पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, ना फटाफट से कर भी लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। पूरे का पूरा मैंने एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का वो भी कंप्लीट करा दिया है, साथ ही में बहुत सारे सैंपल पेपर अपने चैनल पे लाइव क्लास के थ्रू बच्चों को कराते रहता हूं, ताकि प्रैक्टिस उनकी अच्छे से हो जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, वहां से अगर अपन सर्कल के सेंटर में हम लोग क्या करें, अगर लेंथ निकालें, तो जो लेंथ निकल करके आ रहा है वो 24 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। यानी कि सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है क्यू का, वो 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा। तो अभी हो सकता है आपके ऊपर से गया हो क्वेश्चन कि क्या क्या बोला, कुछ समझ में आया नहीं, बस रेडियस पूछ दिया है। लेकिन जब तुम डायग्राम देखोगे तुमको समझ में भी आ जाएगा कि पूछा क्या गया है और उसे फाइंड भी कैसे करना है। चलो कॉपी में समझाऊँ। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही स्टार्ट करेंगे ताकि कोई एकदम बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता हो सर्कल के बारे में, उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल में कहीं बाहर में ही कोई पॉइंट क्यू है, और वहाँ से जब हम लोग टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पर, तो जो टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना, वहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट हमारा बाहर पे क्यू था, और यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ, ये 24 सेंटीमीटर है। आगे बोला जा रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कल का अगर सेंटर पकड़ लूँ मैं, और यहाँ से जब मैं क्यू का डिस्टेंस निकालूँ, यानी कि एकदम सीधा लाइन ऐसे बनाऊँ, तो ये जो लाइन बन रहा है ये 25 सेंटीमीटर का बन रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस के लिए इस पॉइंट से मैं किधरू लाइन बना सकता हूँ, इधर 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 कहीं बना सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब होगा नहीं। मतलब कहाँ से हमारा निकलेगा, यहाँ से। देखो, ये जब ऐसे हम लोग सीधा लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करता हुआ रहेगा, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरम नंबर 10.1 में सिखाया था। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और जब राइट ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग ये वाला जो साइड है बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नाम रख दो, जैसे सेंटर का नाम ओ रख देता हूँ मैं, यहाँ पर इसका नाम पी रख देता हूँ। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं कि हमारे पास जो क्यू, ये है जो पी क्यू है, पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट है, कहाँ पर, तो एट पी, ठीक है, इस पी पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है सर्कल पर। तो इसलिए हमारा जो ओ पी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के ऊपर, ठीक है। ये जो ओ पी था और ये पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ लिखना बहुत जरूरी है, ताकि ये तुम्हारे एग्जाम में, तुमको थ्योरम नहीं लिखना है बहुत डिटेल में, और मैं बच्चों को कहता भी कि ज़्यादा डिटेल में थ्योरम ना लिखो, शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दो तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन गया, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। सो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल
पी ओ क्यू, ठीक है, ये जो राइट ट्रायंगल है इसका नाम हम लोग पी ओ क्यू कर देते हैं। अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर हमारा पाइथागोरस चाचा का थ्योरम काम करेगा, और पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था कि हमारा जो ओ क्यू होता है यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा पी क्यू यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में ओ पी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये जो ओ पी परपेंडिकुलर है यही तो रेडियस है, यही अपने को निकालना है। तो इसको पहले इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओ की, ओहो भाग यहाँ से क्यू क्यू लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से ओ क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू इधर आकर के माइनस में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इस पास मेरे पास ओ पी का स्क्वायर बचेगा। तो ओ क्यू कितना है भैया, ओ क्यू हमारे पास कहाँ गया, ओ क्यू ये वाला 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर लो। पी क्यू कितना है, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लो। इक्वल क्वेश्चन में ओ पी कर लो, स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका देखो ये सब एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं बनाना है ना, मैं बस आप लोगों को इसलिए लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि अगर इसी टाइप से क्वेश्चन दो नंबर वाला है ऑब्जेक्टिव में ना आए तो तुम लोग ऐसे बनाओगे, अदरवाइज तुम लोग ये सब चीज़ें दिमाग में ही करोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं इतने डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ जाए कि आंसर कहाँ से लाना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और यहाँ पर 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर्स वगैरह याद कर लो बहुत जल्दी से ताकि तुम्हारा काम एग्जाम में जल्दी हो जाए। तो इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर से हमारे पास 25 हो रहा है और इधर से हमारे पास 24 हो रहा है, 25 और 24 मिला दो तो 49 हो जाएगा माइनस करने के बाद। इक्वल के उस साइड में ओ पी है यानी कि जो ओ पी का लेंथ है वो हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ओ पी 7 सेंटीमीटर है तो ओ पी ही हमारा रेडियस है, तो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, खत्म। क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, बस आपको ये जो रूल्स हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है, और डायग्राम को कैसे बनाना है ये समझ में आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तो तुम लोग यहीं पर ही बना सकते हो, इसके लिए आप लोग को अलग से डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने बेसिक समझ लिया तो यहीं पर कंप्लीट होगा। इसमें बोल क्या रहा है कि इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पर आप देखो जो टी पी है और टी क्यू है ये दोनों क्या है, टेंजेंट है एक सर्कल का, और सर्कल का सेंटर ओ है। अब हमसे बोल रहा है कि सो दैट पी ओ क्यू 110 डिग्री का है, पी ओ क्यू यानी कि इस वाले एंगल का नाम बता दिया, ये एंगल 110 डिग्री का है, तो बताइए पी टी क्यू कितने का होगा। पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहला चीज तुमको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। देखो इसको भी हम लोग दिमाग में बनाएंगे ना, पेन का यूज़ मैं बुक में ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ तो मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ये खतरनाक वाला पेंसिल का। तुमको पता है कि ये 90 है और ये भी 90 है, और ये जो है हमारे पास जिस जो हमारा एक डब्बा की तरह है इसका नाम क्या है, तो टी पी ओ क्यू, टी पी ओ क्यू हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, और किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं उनको अगर अपन प्लस करते हैं ना तो हमेशा 360 ही आता है, यानी ये वाला ये वाला ये चारों एंगल जब हम लोग प्लस करेंगे तो 360 आएगा, सिंपल है। तो इस 360 में एक हमारा एंगल टी है और इसी टी का नाम हमारे पास पी टी क्यू रखा गया है, ठीक है, तो एक टी बच गया। ये तीनों एंगल का सम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये हमारा 90 है, ये भी हमारा 90 है, और ये वाला हमारा 110 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 110 और 19 का 9 कैरी हो गया 1, तो 290 आ गया। कौन से एंगल, ये तीनों एंगल का जो सम है वो हमारा 290 निकल कर के आ गया। अब यहाँ से अगर ये तीनों 290 हैं और हमको पता है कि चारों मिला दो तो 360 होता है, तो चौथा वाला कितना होगा, ये जानने के लिए सिंपली तुम लोग ये दिमाग लगाओ कि 290 में मैं कितना प्लस करूँ कि 360 आ जाए, तो 290 में 70 प्लस करूँगा तो 360 आ जाएगा। क्या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, 360 में से ये 290 को माइनस कर दो तो भी तुम्हारा 70 निकल करके आ जाएगा। तुम लोग डायरेक्ट इधर ही से बना लेते दिमाग लगा के कि 290 में कितना प्लस करेंगे 360 आ जाएगा, क्लास 10th में हो इतना तो समझ में आ ही जाएगा, ये तो बेसिक चीज़ है। तो 70 हमारा वो नंबर है जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो चारों का जो सम है वो 360 होगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान था जिसको तुम लोग दिमाग में भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, तुम लोगों को तो पिन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक से एडिशन है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, यानी कि फिर से वही इसी टाइप से बनेगा, अगला दूसरा डायग्राम बनाऊंगा मैं तब तुमको समझ में आएगा कि पी और पी बी दो टेंजेंट है। From a point P to circle with center O are inclined to the each other at angle of 80 degree. वो दोनों एक दूसरे पर झुके हुए हैं जहाँ पर हमारा जो एंगल है 80 डिग्री का बन रहा है, तो बताइए जो POA नाम का एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो फिर चलो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं कॉपी में तो और अच्छे समझ में आएगा। सो सबसे पहला काम क्या करना, कभी भी सर्कल वाला क्वेश्चन आया तो एक सर्कल बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लो एक पॉइंट P बनाता हूँ और ये बोला जा रहा है कि पी ए नाम का एक टेंजेंट है और पी बी नाम का एक टेंजेंट है, तो मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा ऊपर साइड और इसका नाम दिल्ली यार मेरा हट मैं हाथ से नहीं बनाऊंगा, हाथ से बनाता हूँ बिगड़ जाता है, थोड़ा सा तिरछा भाग जाता है,
ये ऐसे बनेगा टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए है, तो पी ए हो गया टेंजेंट। उसके बाद पी बी भी एक टेंजेंट बनाना है, तो फिर से मैं इसको स्केलर से बनाऊंगा भैया, बिगड़ जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा एक दूसरा टेंजेंट बन गया, यहाँ पर पॉइंट बी है मान लो, ठीक है। तो पी और पी बी दो टेंजेंट हो गए हैं, सर्कल का सेंटर का नाम हमको ओ दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले तो आप लोग क्या करो, दोनों टेंजेंट को ज्वाइन कर दो सेंटर से, ताकि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक डायग्राम मिल जाए। अभी समझ में आएगा तुम लोगों की डायग्राम की जरूरत क्यों है। देखो अब हमसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कि जो झुके हुए हैं ना, इंक्लाइंड है, ये जो दोनों टेंजेंट है ये एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री पे बन रहे हैं, तो ये 80 डिग्री पे बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताइए पी ओ ए कितने का होगा, तो पी यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, ठीक है, पी ओ ए, हाँ तो यही वाला एंगल। देखो इसके लिए ना, अभी तो हमारा ये जो एंगल यहाँ पर बना है ये कंप्लीट एंगल है। ये कंप्लीट एंगल का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है अभी, इसका नाम हम लोग रखें तो ए ओ बी होगा या बी ओ ए होगा। अब इसको पी से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी पी से ओ को ज्वाइन करके। तो ये पी और ओ जैसे ज्वाइन हो जाएंगे, तो अब जो ये वाला पार्ट बन रहा है हमारा, ये ऊपरी वाला पार्ट, ये वाला एंगल बोल रहा है पी ओ ए, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो फिर वही काम करेंगे जो पिछले बार किया था हमने। हम लोग यहाँ पर ये वाला राइट एंगल जानते हैं, ये राइट एंगल जानते हैं, कंप्लीट एंगल हमारा निकल कर क्या आ जाएगा। लेकिन अब कंप्लीट एंगल में इधर वाला कितना है और इधर वाला कितना है ये तो अपने को पता है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पर पूरा तो ये निकाल लेंगे कि ये कंप्लीट 80 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी कंप्लीट वाला पता चल जाएगा। लेकिन अब ऊपर में कितना है और नीचे कितना है ये तो नहीं पता। तो उसके लिए क्या करो, पहले तुम लोग ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, पी ओ ए और पी बी ओ या फिर पी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल को कर दो आपस में कॉन्ग्रुएंट, जो कि बहुत ईजिली से कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। इन दोनों ट्रायंगल में हमको पता है कि पी ए और पी बी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। पी ए जो है वो इक्वल है पी बी का, क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास इक्वल क्यों होता है, तो हमने 10.2 में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो टेंजेंट होते हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, सेम एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम एक्सटर्नल पॉइंट होने की वजह से ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए पी और पी वी। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ हमारे पास, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर देखें हम लोग और ओ से ए तक की दूरी देखें, तो आप लोग देखो ओ ए और ओ बी ये दोनों चीज़ें क्या आपस में इक्वल है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ओ से ए तक भी हमारा रेडियस है और ओ से बी तक भी हमारा रेडियस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो ओ ए है ऊपर वाले का ट्रायंगल में और जो नीचे वाले में ओ बी है, ये दोनों भी इक्वल है क्योंकि दोनों आपस में रेडियस है, ठीक है। तीसरा चीज़, ये जो पी ओ है, ये पी ओ क्या भैया, दोनों के लिए एक ही चीज़ है, एक ही साइड है, जिसको हम लोग कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो पी ओ जो है भैया वो इक्वल है पी ओ के, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपस में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन साइड, तो अब तीनों साइड अगर इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि पी ए ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल पी बी ओ के। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ पर है ना, यहाँ पर और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, यानी कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारा जो एंगल पी ओ ए होगा वो इक्वल होगा एंगल पी ओ बी के, जिसका रीज़न लिखोगे तुम लोग सी पी सी टी। और यहाँ पर भी रीज़न लिख देना कि कॉन्ग्रेंट किस वाले रूल से हुआ था, तो साइड 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 वाले रूल से हुआ था हमारा कॉन्ग्रेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अब आप लोग के पास अगर ये दोनों इक्वल है, तो आप लोग इसका आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये वाला भी इक्वल है। अब आप लोग देखो, जो पिछला मैंने मेथड यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने में, वो वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तुम लोग पहले चारों कंप्लीट एंगल निकाल लो, यानी कि ये कंप्लीट निकाल लो और फिर ये दोनों को आधा आधा कर दो, ये पहला तरीका है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल है ना भैया, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो ऊपर और नीचे का भी इक्वल होगा। तो इसको भी मैं इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ऑल्सो हमारे पास जो ओ पी ए होगा, एंगल ओ पी ए वो इक्वल होगा ओ पी बी के, एंगल ओ पी बी का। और ये दोनों कितने के होंगे, तो देखो कंप्लीट हमारा 80 का था और ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, तो दोनों 40-40 के होंगे, तभी तो कंप्लीट 80 होगा। तो दोनों हमारे 40 डिग्री के हो गए। तो अब ये वाला 90 का है, ये 40 का है, तो बताओ ये कितना होगा। तो बस इस ट्रायंगल का भी यूज़ कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए पी ओ, जो ऊपर में ट्रायंगल ए पी ओ बन रहा है, उसमें जो हमारा ये वाला एंगल है ओ पी ए नाम का, उसमें हम लोग तीन एंगल हमको दिख रहे हैं। एक तो हमारा ओ पी ए है,
दूसरा हमारे पास ये एंगल ए है जिसका नाम हम लोग एंगल पी ए ओ रख सकते हैं, और तीसरा हमारा वो वाला एंगल है जिसके बारे में से क्वेश्चन ने पूछा था और नाम रखा था पी ओ ए। तो तीनों का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है, जैसे क्वाड्रिलेटर में 360 होता है, ट्रायंगल में 180 होता है। इसे पढ़ चुके दोनों पहले ही, दो ठो का वैल्यू अपने को पता है, एक हमारा 40 का है, एक हमारा 90 का है, और तीसरा वाला हमारा इजिली अब निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करके उधर भेजेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 और 90 कितना होता है हमारा 130 होता है, उस 130 को उधर भेज दो तो पी ओ ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 130 यानी कि 50 डिग्री का। तो इसका जो आंसर है वो 50 डिग्री हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो जो अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन उसे बनाया जाए। तो फोर्थ वाले बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि एक सर्कल का अगर डायमीटर बनाया जाए और उसके दोनों एंड पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मान लो कि एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर हमने बनाया है जिसका नाम ए बी है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये ए बी एक डायमीटर है। हमसे ये बोल रहा है कि इसकी एंड पॉइंट से जब आप लोग क्या बनाओगे, टेंजेंट बनाओगे कुछ इस तरीके से। मैं फिर से स्केल का यूज़ करूँगा, ऐसे ही बनाता हूँ तो इधर उधर भाग जाता है मेरा लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो हम लोग जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये दोनों टेंजेंट क्या आपस में पैरेलल है ऐसा अपने उसे शो करना है। तो यहाँ पर अब इन टेंजेंट का भी कुछ नाम दे देता हूँ ताकि हम लोग उसको शो कर सके। तो क्या नाम दे दूँ मैं, ए बी नाम दे चुका हूँ तो इसका नाम मैं सी डी रख देता हूँ। मान लो ये मेरा सी और डी पॉइंट है और इसका नाम मैं ई एफ रख देता हूँ, और इस सी डी और ई एफ लाइन को ही अपने को पैरेलल करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, टेंशन ना लेने का। यहाँ पर मान लो सेंटर हमारा ओ है, है ना, सर्कल विथ W को मैं नहीं पता क्या क्या लिख दे रहा हूँ, विथ सेंटर O। ठीक है, इतना समझ में आ गया मैंने क्या क्या लिखा। AB डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर O है, CD एंड EF, CD एंड EF आर टेंजेंट। CD और EF जो है वो टेंजेंट है जो कि एंड पॉइंट से है A और B के। ठीक है, उतना लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो इतना ही काम हो जाएगा। अब अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है यहाँ पर कि हमारा जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, यही चीज़ अपने को प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाओ हमारे पास सबूत क्या है, प्रूफ क्या है भैया कि ये आपस में पैरेलल है, वो देखो। सबसे पहले तो ये पता है तुम लोगों को कि ये जो मेरी लाइन है ओ ए जो लाइन है और ये जो सी डी लाइन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि हमने थ्योरम 10.1 में आपको बताया था। तो सबसे पहले वही लिखूंगा मैं कि जो मेरा ओ ए है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, और अगर ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर यानी कि यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि ओ ए डी, इसलिए एंगल ओ ए डी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, दूसरा चीज, अब मैं लेता हूँ ओ बी को और ई एफ को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि जो भैया ओ बी है वो परपेंडिकुलर है हमारे ई एफ के ऊपर, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, या फिर इधर बगल वाला ले लूँ जिसको भी तुम लेना चाहो, दोनों एंगल से तुम प्रूफ कर सकते हो। अगर इसको लोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, अगर इधर वाला लोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं बाहर वाला लेता हूँ क्योंकि तुमको वो एंगल ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। तो जो बाहर वाला इधर जो बी वाले पॉइंट पर है ना, यहाँ पर पॉइंट बी बाहर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का है। तो क्या नाम रखूँ मैं इसका, ओ बी ई कर देता हूँ, तो इसलिए एंगल ओ बी ई जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारे पास ये कौन कौन से एंगल है, अगर मैं ओ ए का और ओ बी का अगर बात करूँ तो ये एंगल जो बन रहे हैं ना, ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देखो तुम लोग। यहाँ पर हमने क्या सीखा था, जब पैरेलल हम लोग पढ़े थे, तो कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन हो उसको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होते हैं। तो ये जो मैंने एंगल लिखा है और ये लो जो एंगल लिया है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा लाइन था और ये एक लाइन था, इसको एक ट्रांसवर्सल ने इसे कट किया तो ये लेफ्ट में बन रहा और ये राइट में बन रहा, इसको अपन जेड वाला एंगल भी बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल जेड वाले हैं यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं जब कभी भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन होता है। तो यहाँ पर पूरा साफ साफ इसको ऐसे लिखोगे कि हमारा नाउ हम लोग इसको इक्वेशन वन मान लें और इसको इक्वेशन अगर टू मान लें, तो इक्वेशन वन और टू से ये क्लियर है कि हमारा जो एंगल ओ ए डी है वो इक्वल है एंगल ओ बी ई का। अब यहाँ पे लिखो तुम लोग कि सी डी एंड ई एफ आर टू लाइंस, फिलहाल ये हमारे दो लाइंस थे जिनको ट्रांसवर्सल ने कट किया, है ना, ए बी इज, है ना, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी जो यहाँ पर वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है,
और इसलिए हमारे पास दो अल्टरनेट इंटीरियर जो है ना, तो यहाँ पर लिखो अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ओ ए डी एंड एंगल ओ बी ई आर इक्वल। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, यानी कि दो लाइन थे जिसमें हमारा ए बी ट्रांसवर्सल है और दो जो एंगल्स हैं जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं वो आपस में इक्वल भी हैं। तो इट इज़ प्रूव, यहाँ पर ये प्रूव होता है कि हैंस, इसका मतलब ये साबित हुआ कि हमारा जो सी डी है और जो हमारा ई एफ है, सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। बस यही आपको करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर अगर आपस में होगा है इक्वल, तो जो लाइन भी बनाया था उन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो बस ये तुम्हारा पैरेलल आ गया। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। अब तुम लोग जब एग्जाम में बनाओगे तो लास्ट में वो भी जो स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन में दिया था ना, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल पैरेलल, वो भी यहाँ पर से लिख दो ओके, कि सो द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, यानी क्वेश्चन में से उठा करके बस प्रूव दैट को हटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, जो क्लास सेवंथ का टॉपिक है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड वाला एंगल, ये यहाँ पर दोबारा से काम आ गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर साल पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें काम आती हैं। चलो जो फिफ्थ वाला है उसे बनाते हैं। फिफ्थ वाले में ये बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सॉरी टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। वही चीज़ है कि जो हमारे पास टेंजेंट होगा, अगर उसे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए सर्कल के, तो वो क्या होगा, सेंटर से होकर के गुजरेगा, यानी कि सेंटर से ही वो पास होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही 10.1 वाले थियरम में, है ना, कि हमारा जो परपेंडिकुलर जब हम लोग बनाते हैं टेंजेंट के ऊपर, तो वो रेडियस के साथ मिल जाता है, यानी कि सेंटर से होकर के गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि रेडियस के साथ मिल जा रहा है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना है, आइए वो समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो तुम लोग एक सर्कल बनाओ, वहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ, और जो टेंजेंट है वो सर्कल का कहीं पर टच कर रहा हो, मान लो मैंने पॉइंट पी पे टच कराया है, और ये क्या होगा, हमारे सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरेगा अगर अपन इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिख ली कि मान लेते हैं कि हमारा ए बी जो है वो एक टेंजेंट है पॉइंट पी पर एक सर्कल के ऊपर, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, और हमको यही यहाँ पर शो करना है कि जो हमारा ओ पी है ना, यानी कि अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर बना दें ए बी के ऊपर, तो ये जो लाइन है ये क्या होगा, ओ से होकर के गुजरेगा। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये लिखूँ कि हमको प्रूव क्या करना है, तो हमको ये प्रूव करना है कि हमारा जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। बस यही प्रूव करना है कि हम लोग इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए ओ कर, यानी सीधा एक लाइन बनाए, तो वो क्या होगा, यहाँ पर सेंटर से होकर के गुजरेगा। बस सिंपल से ही बात है, सेंटर से हमको बस इसको गुजरता हुआ दिखाना है, ये बस यहाँ पर चीज़ है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है, हमको पता है क्या है इस बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम लोग को ये पता है कि जो टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल का, वो क्या होता है, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे सर्कल के सेंटर पर वो एक परपेंडिकुलर होता है। तो इसको तुम लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस वाले लाइन को, रेडियस बोलते हैं, है ना। जो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जो हमारा 10.1 वाला जो थ्योरम है वही मैं यहाँ पर बस साफ दे रहा हूँ, टू रेडियस, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज़ अपने को पता है कि जो हमारा टेंजेंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, रेडियस जो बनाते हैं, सॉरी जो रेडियस को हम लोग मिलाते हैं, तो वो रेडियस क्या होता है, ये जो हमने रेडियस बनाया ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। ये चीज़ अपने को 10.1 में पता है पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओ पी है वो तो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ही है, इसलिए जो हमारा ओ पी जो हमने बनाया है वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर इस वाले थियरम के अकॉर्डिंग। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो लाइन बन रहा है, सॉरी एंगल जो बन रहा है, जिसका नाम ओ पी बी है, एंगल ओ पी बी, वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। तो ये चीज़ें तुमको पहले से पता है, तो इसे प्रूफ थोड़ी हो रहा है, प्रूफ कैसे करेंगे वो समझो। तो अब तुम लोग यहाँ पर मानो कि कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तो नाउ लेट क्यू इज अ पॉइंट इन सर्कल। मान लेते हैं क्यू जो है एक पॉइंट है सर्कल पे, कहीं पर भी एक पॉइंट है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्यू ले लेता हूँ जो कि सर्कल के अंदर ही कहीं पर एक पॉइंट है, और Q से मैं P को ऐसे मिलाता हूँ, और मैं ये लिखता हूँ कि मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरीके से है ना, Q इज पॉइंट सर्कल सच दैट, वो कुछ ऐसा है कि
कि अगर हम लोग QP को देखें, Q और P को मिला दें, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। ये हमने अपने से एज्यूम किया हुआ है, जैसे आपने वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 में, कुछ उसी तरीके का मेथड यहाँ पर है कि हमने Q एक पॉइंट बना सर्कल के अंदर और जो QP है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर AB के ऊपर। यानी कि अगर अपन एंगल देखें, QPB नाम का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा अगर ये परपेंडिकुलर हमने माना है तो। तो यहाँ पर हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये भी 90 डिग्री आ रहा है और ये भी 90 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल OPB है वो इक्वल है हमारे QPB के, और दोनों जो है वो 90 डिग्री के निकल करके आ जा रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों तो देखो सेम जगह पर होंगे, तभी पॉसिबल होगा जो हमारा पॉइंट O है और जो पॉइंट Q है, अगर दोनों हमारे 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर इस वाले जगह पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q भी हमारा O के जगह पर ही होगा। अगर Q O के जगह पर नहीं होगा तो ये 90 डिग्री कहाँ से बनेगा। अगर ये अगर ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ सही हो सकता है, या तो हमारा ओ पी भी 90 डिग्री सही हो सकता है या तो क्यू पी भी 90 डिग्री सही हो सकता है। तो हमने ये माना कि क्यू एक पॉइंट है कहीं पर भी और वहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। वो जब हमारा इस जगह पर होगा, जो क्यू पॉइंट है वो अगर ओ के जगह पर होगा तभी हमारा वो 90 डिग्री बना सकता है। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे कि ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ अगर हमारे पास जो QP है वो क्या होगा, वो O से होकर के गुजरेगा तभी हमारे पास ये 90 डिग्री बनाएगा। तो QP passes through O, ठीक है, यानी कि O से गुजरेगा जो QP तभी वो हमारा परपेंडिकुलर बनाएगा, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती, अगर ये जगह अलग जगह पर है और ये अलग जगह पर है तो सेम 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता। और ये तो 90 डिग्री का होगा ही होगा क्योंकि ये प्रूफ चीज़ है, यहाँ पे थ्योरम में दिया हुआ है। और अगर इसको हम 90 मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसी के जगह पर है, जो जहाँ पर पॉइंट O है वहीं पर हमारा पॉइंट Q है। तो बस यहीं से आपका ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर ना, वो क्या होता है, सेंटर से ही होकर गुजरता है। अगर हम लोग टेंजेंट के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो सेंटर से ही गुजरेगा तभी वो परपेंडिकुलर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहां पर तुम लिख भी सकते हो कि हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, ये हमारा यहां पर प्रूव होता है कि जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर, बस ये सेंटर से होकर गुजरेगा तभी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5th का भी सॉल्यूशन। इसको तुम लोग को एक आग दो बार देखो अपने से बनाना पड़ेगा, तुम लोग को अभी समझ में तो आ गया होगा, लेकिन तुम लोग अगर बना के बिना प्रैक्टिस अगर एग्जाम में बैठोगे ना तो भूल जाओगे कि इसका तरीका क्या है इस वाली चीज़ को प्रूव करने का। इसीलिए एक दो बार इसको बना करके खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलो जो अगला सॉल्व वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग उसे बनाते हैं। सो 6th वाले में बोला जा रहा कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको भी डायग्राम के थ्रू समझो, बहुत ही बेसिक चीज़ बोल रहा है इसमें भी। तो डायग्राम को पहले समझते हैं फिर बनाएंगे। हमसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है वहाँ से जब हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, अरे यार फिर मैं स्केल यूज़ नहीं किया, मैं स्केल यूज़ नहीं करता हूँ तो बहुत ख़राब टेंजेंट बनता है। देखो ये तेरसा भाग रहा था वो, ठीक है। तो ये देखो, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट ए से, तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है इसका सेंटर से दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो टेंजेंट बना है ये 4 सेंटीमीटर का। एकदम देखो घुमा के कितना मस्त बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो 5 सेंटीमीटर है ये हमारे इसका साइड नहीं, ये नहीं है टेंजेंट का लेंथ नहीं है, वो सेंटर से उसकी दूरी है, इस वाले पॉइंट ए की दूरी है। तो मैं पहले तो इसका दूरी बता रहा हूँ कि ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट है ना इज 4 सेंटीमीटर। ये जो टेंजेंट है, मान लो यहाँ पर पॉइंट हम लोग ए नाम लिखे तो इसका बी दे देता हूँ, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है सर्कल के सेंटर से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस, तो बस ये निकालना है। अरे यार तो बस फिर मैं लाइन में गुस्सा आता है मेरे को, इसी में मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है। इतना अच्छा क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों को,
और ये डायग्राम उल्टा सीधा बन जाता है, कोई बात नहीं। तो अपने को क्या करना है, ये जो ओ बी है ना, यही बस अपने को सिंपल सा बताना है। तो एकदम कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये राइट एंगल दिख ही रहा है, तुम जानते हो कि यहाँ पे राइट एंगल बना है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा राइट एंगल का, अपोजिट में ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर निकाल दो। मेरे को बताना पड़ेगा क्या डिटेल में, चलो डिटेल में तुम खुद से लिखना, मैं बस यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन राइट एंगल, हमारे पास जो राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल का नाम क्या है, तो ए ओ बी नाम रख देते हैं इसका। इसके अंदर हमारा जो ए ओ का स्क्वायर होगा जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो हो जाएगा ए बी का, सॉरी ओ बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने को निकालना क्या है, ओ बी ही निकालना है, तो इसको इधर ले आओ। ए ओ हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लो, ये हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लो, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस में 16, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट में आ जाएगा, इक्वल टू साइड में ओ बी आ गया, तो ओ बी का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा 9, यानी कि 3 है ना, 9 जो 3 बन करके निकलेगा, तो 3 सेंटीमीटर, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान है, जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, तो बेसिक सा क्वेश्चन था यार ना, इसमें टाइम पास नहीं करने का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में है। तो चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो शायद। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मैंने देखा है, पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि जिसके एक सेम सेंटर हो उनको कॉन्सेंट्रिक बोला जाता है। आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस दे दिया, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द टू ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी कि उस कॉर्ड का लेंथ बताओ बड़े वाले सर्कल का जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो अभी तुम लोगों को शायद बस इमेजिन में दो ही सर्कल आ रहे होंगे कॉन्सेंट्रिक, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है, चलो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ। सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिए हैं, ये एक सेंटर है, ये इस वाले सर्कल का भी है और इस बड़े वाले का भी है। अब हमसे ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर जो इसको टच करेगा, बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड होगा जो छोटे सर्कल को टच करके भागेगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये बड़े सर्कल के तो कॉर्ड का काम कर रहा है लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि इस वाले छोटे सर्कल के लिए यही जो लाइन है ये क्या काम करने वाला है, यहाँ पर टेंजेंट का काम करने वाला है। तो इसका नाम फिलहाल मैं रख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मान लो ए बी रख देता हूँ। तो जो ए बी है ये कॉर्ड भी है बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। अब हमसे दो चीज़ें दी हुई है, पहला बताया गया है कि बड़े वाले का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसका यूज़ कैसे करना वो समझो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तुम लोग इस पॉइंट ए से इस सेंटर को मिलाओ, देखो ये जो पॉइंट ए से जब तुम सेंटर को मिलाओगे तो अभी ये बड़े वाले सर्कल का इस वाले पॉइंट को सेंटर टच कर रहा है, यानी कि फिलहाल ये क्या है, रेडियस है, समझ में आ रहा ना, ये क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया। और इधर भी हमारे पास उसी टाइप से सेम टू सेम ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा मान लो ये पॉइंट ओ है तो ओ से बी तक और ओ से ए तक ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, लेकिन छोटे वाले का अगर रेडियस निकालना है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं लूँगा, मैं दूसरा रेडियस बनाऊँगा। वो कहाँ से बनाऊँगा, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे मिलाऊँगा जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आया था और इसको मैं रेडियस लूँगा, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये वाला साइड हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर का है ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला था। और यह जो रेडियस है और इधर वाला भी जो रेडियस है वो 5 ही होगा क्योंकि बड़े वाले का रेडियस 5 बताया गया था। तो बस यहाँ पर सब तुम लोग ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इस ट्रायंगल का ये साइड निकाल लो, जैसे कि मान लो इस वाले पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूँ तो ए पी निकाल लो और इधर से तुम ये बी पी निकाल लो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको बनाने के देखो दो तरीके हैं जो हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। पहला तरीका क्या है कि तुम दोनों ट्रायंगल्स का यूज़ करो, ए पी और बी पी निकालो और दोनों को आपस में ऐड करके ए बी का लेंथ फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो क्लास 9th में मैं तुम लोग को पढ़ाया हूँ वो वाला तरीका है, ये इसी टाइप से क्वेश्चन याद करो, क्लास 9th में भी था। उसमें हम लोग क्या किए थे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि किसी भी सर्कल में ना अगर एक कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर लाइन बनाई जा रही है तो ये जो लाइन होती है ये कॉर्ड को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि हमारा जो ए बी है अगर थोड़े देर के लिए छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, केवल बड़े वाले सर्कल पर अगर फोकस करो, तो ए बी हमारा कॉर्ड था और सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर हमने बनाया है, तो इसलिए जो ए पी होगा और जो बी पी होगा ये दोनों हमारे बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में इस वाले लाइन के द्वारा कट हो जाते हैं, जो क्लास 9th का एक हमारा थ्योरम था, ठीक है। तो उस थ्योरम से बना सकते हो, बाकी हम क्लास 10th में भी चूँकि पढ़ रहे तो हम फटाफट जो क्लास 10th से बना लेते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में तुम लोग ये 9th वाले थ्योरम से बनाओगे तो गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरम थ्योरम होता है। जैसे तुमने बचपन में 2 मल्टीप्लाई क्लास 6 में तुमने जब बॉर्डमास का रूल पढ़ा था तो क्लास 10th में भी तो यूज़ करते ही बॉर्डमास का रूल, ये तो है नहीं कि क्लास 6 से पढ़े तो उसी टाइम बस यूज़ करना था, हम नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से 9th वाला जो थ्योरम है वो वाला थ्योरम तुम यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो फिलहाल तो मैं नॉर्मल थ्योरम से ही बनाऊंगा, फटाफट इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि लेट टू कॉन्सेंट्रिक
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर, ठीक है, इसका कुछ नाम रख देते हैं अपन। तो एक का नाम सर्कल है तो सी है ना, सी कहीं पर पॉइंट तो यूज़ नहीं किए हैं, तो एक का नाम सी, छोटे वाले का सी वन कर देते हैं एंड बड़े वाले का सी टू कर देते हैं, ठीक है। ए बी जो हमारा लाइन है, ए बी जो कॉर्ड है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉर्ड ए बी ऑफ सी वन, हमारे पास मान लो सी वन छोटा वाला है और सी टू हमारा बड़ा वाला है, तो सी टू का कॉर्ड ए बी ऑफ सी टू टच द सी वन, ठीक है, वो सी वन को टच कर रहा है, जैसे कि अपने को क्वेश्चन में बोला भी गया था कि टच करते हुए जाना चाहिए। सो ए बी इज ऑल्सो, सो ए बी इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट हो जाएगा फोर किसके लिए, तो सी वन के लिए, ये छोटे वाले के लिए ए बी जो है वो टेंजेंट हो गया एट पी, है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कहाँ पर हो रहा है, तो एट पी पॉइंट ऑफ जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो पी है, बस यहीं से हमारा खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ओ पी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर, और ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो हमारे पास अब राइट ट्रायंगल बन गया, बस राइट ट्रायंगल का यूज़ करना है। तो इन राइट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल लिखा हो राइट ट्रायंगल होगा ए ओ पी, ए ओ पी के अंदर हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए पी का स्क्वायर पर बेस जो है, और प्लस में ओ पी का स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को निकालना, तो भैया ए पी है तो इसको इधर ले आओ, तो ए ओ हो जाएगा फाइव का स्क्वायर, ये हमारा ओ पी जो है वो हो जाएगा माइनस में थ्री का स्क्वायर इक्वल टू साइड में ए पी का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, थ्री का स्क्वायर नाइन इक्वल टू साइड में ए पी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिक्सटीन, स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट के अंदर हो जाएगा ए पी, तो ए पी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारे पास फोर, ठीक है, ए पी कितना निकल कर क्या जाएगा फोर आ जाएगा। और उसी तरीके से दूसरे तरफ भी सिमिलरली करके तुम डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में बनाओगे, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ बी, जो हमारा ट्रायंगल पी ओ बी है या फिर बी ओ पी जो लिखना चाहो, तुम्हारा यहाँ पर जो पी बी होगा ना, या फिर बी पी लिख देता हूँ, यहाँ पर ए पी लिखा तो यहाँ पर बी पी, जो बी पी होगा वो भी हमारा सेम टू सेम फोर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज फाइव है और परपेंडिकुलर थ्री है, तो यहाँ पर भी जो बेस होगा वो फोर ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। नाउ अब हमको ये जो लेंथ है कॉर्ड का वही पता करना था, तो हमारा जो ए बी होगा वो इक्वल होगा दोनों पार्ट को मिला करके, यानी कि ए पी प्लस में बी पी, तो ये हो जाएगा फोर प्लस फोर, यानी कि जो ए बी का लेंथ है वो एट सेंटीमीटर है। खेल खत्म इस वाले क्वेश्चन का भी, इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट होगा। तो तुमको बेसिक मेन पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ही समझा दिया था, तो बेसिक अगर समझ गया तो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलो जो अगला क्वेश्चन है एट्थ वाला उसे बनाते हैं। सो एट्थ वाले बोला जा रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसा कि आपको यहाँ पर इस फिगर 10.12 में मिल रहा है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस जो सी डी है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि पैक किया हुआ है अपने अंदर। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही जो हमारा ए बी और जो हमारा सी डी, ये जो जो साइड है, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा हमारे ए डी, ए डी मतलब कि ये वाला साइड, और बी सी यानी कि इस वाले साइड के सम के बराबर। तो ये चीज़ अपने को प्रूव करना है। चलो कैसे प्रूव करना है ये समझाता हूँ कॉपी में। सो देखो यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया है ताकि तुमको समझ में आते जाए, जो जो मैं चीज़ यहाँ पर बोलूँगा ना वो इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। और कुछ इसी तरीके से डायग्राम दिया हुआ था वहाँ पर, थोड़ा सा खिचड़ी बना के थोड़ा मोड़ा टेढ़ा कर दिया था बेचारे का हाथ पैर तोड़ करके, तो मैंने उसे सीधा कर दिया है। अपने को ये चीज़ प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा आर एस अग्रवाल वगैरह बुक में भी दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम क्या करो, ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट ए है ना, तुम लोग को पी क्यू आर एस ये बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं वो समझो। हमारा जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये मान लो इस सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, ये सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट ए से ही हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, तो एक इस तरीके से टेंजेंट सर्कल की इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ये वाला एस आ रहा है और यहाँ पर वो हमारा जो पॉइंट पी है वो आ रहा है, उसी तरीके से क्यू और आर दिया हुआ है, तो ये सब का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए से ही हमारा एस में गया और ए से ही पी में गया, और मैंने आपको जो थ्योरम नंबर 10.2 समझाया था उसमें क्या बताया था कि जो ए एस होगा और ए पी जो होगा, जो दो टेंजेंट होते हैं जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकले हुए रहते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ से हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, यानी ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पार्ट जो है ये आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग डिटेल में वो थ्योरम उतार लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बाय थ्योरम, हमारा जो थ्योरम नंबर कौन सा था 10.2 था, तो बाय थ्योरम नंबर 10.2 हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से हमारा ए पी बना है और इधर से हमारे पास ए एस बना है, तो ए पी जो होगा
वो इक्वल होगा ए एस के, इज दैट क्लियर। दूसरा चीज, जो B से P पर आया है और B से ही Q पर गया है, इसीलिए जो हमारा BP होगा वो BQ के बराबर होगा। फिर जो हमारा DS होगा वो DR के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं DS, जो या फिर DS नहीं यूज़ करता हूँ मेरे को, क्योंकि लेकर क्या रहता है AB प्लस CD ना, तो लेफ्ट में मेरा CD आना चाहिए। तो पहले मैं इधर DR कर देता हूँ कि मेरा जो DR होगा, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, DR वो इक्वल रहेगा मेरे DS के। और उसी तरीके से हमारे पास अगर मैं पॉइंट सी से देखूं, जो सी आर है और वो जो सी क्यू है वो भी वही चीज़ बना रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट सी से निकला हुआ है। तो यहाँ पर लिखो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। अब ये हमारे चार इक्वेशन हमको जो मिल गए ना, बस तुम लोग इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया। तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा, ऐड इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर, तो चारों को ऐड करने से देखो क्या मिलेगा। यहाँ पर मेरा हो जाएगा ए पी प्लस में बी पी प्लस में डी आर और प्लस में हमारे पास सी आर, लेफ्ट वाले सारे ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से राइट वाले में ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में हमारा डी एस और प्लस में सी क्यू। तुम लोग को देखो एग्जाम में ध्यान रखना है कि ले करके क्या आना है, अपने को ए बी प्लस सी डी लाना था ना, इसीलिए मैंने पहले डी एस और डी आर की जगह, मतलब कि डी एस को इधर ना लिखा, मैंने इधर डी आर लिखा और इधर में हमने डी एस लिखा, क्योंकि डी आर ही हमारा जो है ना वही सी डी के ऊपर आ रहा है। देखो कुछ इस तरीके से, ए पी प्लस जब मैं बी पी करूँगा तो ए पी और बी पी मिल करके पूरा ए बी बना लेगा, तो इसके बदले में मैं यहाँ पर ए बी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से डी आर और सी आर मिलकर क्या बना रहे, देखो डी आर और सी आर मिल करके सी डी बना रहे हैं, तो वही तो अपने को लेकर के आना था, तो प्लस में सी डी आ गया। और इसी को अगर मैं उल्टा कर देता तो ये पार्ट मेरा यहाँ पर निकल के नहीं आता, फिर मेरे को अगले स्टेप में उसको सीधा करना पड़ता अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। तो ए बी प्लस सी डी आ गया। उसी तरीके से ए एस और बी क्यू देखो क्या बना रहे हैं, तो ए एस और नहीं बी क्यू हमारा साइड में चला गया, कोई बात नहीं, डी एस भी आ जाएगा। तो ए एस और अपने को डी एस चाहिए ना, तो यहाँ पर तुम लोग इसको ए एस को और डी एस का ग्रुप बना दो। तो अगला स्टेप एक और लिख दो तुम लोग, या फिर इसी इस लाइन को जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पर, अब इसके बाद एक दूसरा लाइन बना देना जिसमें ए एस और डी एस को पहले लिख देना, फिर बी क्यू और सी क्यू को लिख देना, तो भी हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ए एस और डी एस मिल करके मेरे पास क्या बना दिए हैं, ए डी बना दिए हैं। और उसी तरीके से जो बी क्यू और सी क्यू है, देखो बी क्यू और सी क्यू ये मिल करके बी सी बना दिए हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा ये प्रूव हो जाएगा, कितना आसान चीज़ था। तो तुम एग्जाम में अगर गलती से आगे पीछे भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में आना चाहिए, राइट वाला राइट में आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आगे पीछे तो उसे लिखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे पीछे लिख करके भी इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा एट्थ क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होगा। चलो जो नाइन्थ वाला है उससे बनाया जाए। सो नाइन्थ वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो फिगर है ना 10.13, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो लाइन्स हैं। देखो एक्स डैश वाई डैश ये वाला लाइन है, एक्स वाई ये वाला लाइन है, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। पैरेलल है दोनों, सर्कल का सेंटर ओ है और ये पैरेलल है, यानी कि ये ट्रांसवर्सल वगैरह काम करेगा, आगे देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, एक और टेंजेंट ए बी नाम का है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पर है, बहुत अच्छी बात है भैया। इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई, ये क्या कर रहा है कि एक्स और वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एक्स डैश वाई डैश और एक्स डैश वाई डैश को भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट बी पर और एक्स वाई को पॉइंट ए पर। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री का है। ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको अपने को 90 डिग्री यानी राइट एंगल प्रूव करना है, जो कि बहुत ही बेसिक से मेथड से बन जाएगा। इतना डायग्राम जो एकदम खतरनाक वाला बनाया है ना, डरने की जरूरत नहीं। चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया है जहाँ पर ए ओ बी को यानी इस वाले एंगल को अपने को एक राइट एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहला काम ये करो कि ये जो पॉइंट सी है इसको आपस में से ज्वाइन कर दो, यानी कि ये ओ और सी अगर आपस में ज्वाइन हो जाएगा ना, तो आपका आधा से ज़्यादा काम यहाँ पर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला और ये वाला राइट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ओ सी है अब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में क्या होगा, जितना क्वेश्चन हमने बनाया कि सेंटर से हमारा जब टेंजेंट के कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट पर आता है तो ये जो टेंजेंट और ये जो रेडियस है ये आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अब यहां पर राइट एंगल बनेगा। अब उन्हीं का अपन को यूज करना है। सबसे पहले मैं पकड़ूंगा AOC ट्रायंगल को और हमारे पास APO ट्रायंगल को, देखो किस तरीके से ना, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP। अब इन दोनों ट्रायंगल में हो क्या रहा है, मैं इन दोनों ट्रायंगल को करने वाला हूँ यहाँ पर कॉन्ग्रेंट, और उसी तरीके से मैं इधर वाला ट्रायंगल करूँगा कॉन्ग्रेंट। मेरे पास ये जो एंगल दिख रहा है तुमको ना, देखो हमको ये दोनों एंगल अगर यूज़ करना है तो हमको पहले ये पूरा, ये वन वाला, ये टू वाला, ये थ्री और ये फोर, मैं चारों एंगल का नाम दे देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एंगल वन नाम दे दिया मैंने, इसका एंगल टू नाम दे दिया, इसका एंगल थ्री और इसका एंगल फोर, समझ गए ना, चारों कौन से एंगल, ये इधर वाला जिसका नाम AOP है, फिर एंगल टू जो AOC है, फिर एंगल थ्री जो COB है और एंगल नंबर फोर जो कि BOQ है। ये चारों एंगल का अपन को
यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है अब वो समझो। हमने दो ट्रायंगल ले लिया, अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है वो देखो, पहले इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो हमारा ट्रायंगल AOP, ये वाला है ट्रायंगल हमारे पास AOC और ये वाला है AOP। तो अब इसमें हमारे पास जो AP है और जो AC है ये तो हमारे दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर बनने वाले दो टेंजेंट हैं, एक AP और एक AC, तो इस वजह से ये हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो पहले तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि इधर हमारे पास जो AC है इस वाले ट्रायंगल का और इधर वाले का जो AP है भैया वो दोनों हैं आपस में बराबर, ठीक है ना। वही हमारा जो 10.2 वाला थ्योरम है वही, बस यहाँ पर मैं शॉर्टकट में 10.2 डाल देता हूँ TH लिख करके, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कौन सा थ्योरम हमने यूज़ किया है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा हमारा जो AO है ये दोनों में आ रहा है ना, इधर वाले ट्रायंगल और इधर वाले दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू AO, और ये कहाँ से हुआ, तो ये हमारा कॉमन साइड है, तो यहाँ पर आप लोग कॉमन बस लिख दो, इतना सही काम बन जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये साइड हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ये जो OP है और ये वाला जो हमारा OC है ये इस सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। देखो OP और OC दोनों रेडियस ही है, तो बस यहाँ पर से हमारा इन लोग लिखेंगे इसका OC और इधर वाले का जो OP है भैया दोनों रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल का बराबर होता है चाहे कितना सारा बना लो आप लोग, तो तीनों साइड बराबर हो गए। तो अगर तीनों साइड बराबर है तो इसलिए आपका जो ट्रायंगल AOC होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रायंगल AOP का, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं साइड 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 वाले रूल से, तो जब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि जो एंगल वन और एंगल टू हमारा है वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका एंगल AOC में जो हमारा एंगल नंबर टू बना हुआ है और AOP में जो एंगल नंबर वन बना है वो हो जाएंगे इक्वल। मैं पूरा डिटेल में उनका नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कर दिया है ताकि टाइम बचे एग्जाम में आप लोगों के। तो यहाँ पर 1 और 2 इक्वल होंगे, और इसका रीजन क्या है, तो रीजन है CPCT, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसी तरीके से सिमिलरली, अब आपको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना, बस लिख देना शॉर्टकट में सिमिलरली इन ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल ये वाला है जिसका नाम BOC रख दो और BOQ रख दो, तो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी सेम वही चीज़ होगा, और आपका जो एंगल नंबर 3 है ये देखो BOC में 3 है और BOQ में एंगल 4 है, तो यहाँ से एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के, और ये भी हमारा CPCT से हो जा रहा है, ठीक। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग देखो ये जो 1, 2, 3, 4 बना हुआ था एक सीधी लाइन पे बनी हुई एंगल है ना, ये देखो इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से मेरा 1, 2, 3, 4 बना है, यानी कि एक सीधी लाइन वाली एंगल है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, आधा चांद वाला एंगल होता है, और आधा चांद वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, जिसको सीधी लाइन पे बोलते हैं हम लोग, इसको हम लीनियर पेयर के नाम से भी पढ़े होंगे पहले क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PQ इज़ अ लाइन, पी क्यू जो है वो एक लाइन है हमारा सीधा सा, और उसमें ही चारों एंगल बन रहे हैं, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 जो होगा चारों एंगल का जो सम निकल करके आएगा वो 180 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है। हमको पता है कि 1 और 2 बराबर है, तो मैं दोनों के बदले में एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूँ, 3 और 4 हमारा बराबर है, लेकिन मेरे को जरूरत किसका था, सॉरी 1 का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, क्योंकि अपने को 2 और 3 का जरूरत है ना, अपने को तो AOB की चाहिए, 1 से तो अपने को मतलब है नहीं, 2 और 3 से मतलब है, तो 1 के बदले में भी 2 लिख दो और एंगल 2 के बदले में तो 2 रहेगा ही। उसी तरीके से एंगल 3 के बदले में एंगल 3 और एंगल 4 के बदले में भी एंगल 3 कर दो, इक्वल को साइड में 180 आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा 2 एंगल 2 हो जाएगा और प्लस में 2 एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 डिग्री, दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो आपका यहाँ एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बचेगा, इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि जब 2 उधर जाकर के डिवाइड करेगा 180 को तो 90 बना लेगा, और 2 और 3 मिल करके ही तो हमारा AOB बन रहे थे, उसका कंप्लीट जो नाम है 2 और 3 का वो AOB है, तो यहाँ से तुम्हारा AOB जो है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना है, देखो ये 2 और 3 AOB मिल करके बना रहे हैं कंप्लीट वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी पूरा, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो 10th वाला भी एक प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलो इसको मैं दोबारा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सो डायग्राम के थ्रू समझो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, अब तुमको चीज़ें समझ में आएंगी साफ साफ। बोल रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, यानी कि एक टेंजेंट जो दो टेंजेंट जो बन रहे हैं किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है
ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है, किसके सप्लीमेंट्री है, तो टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, यानी कि जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे जब सेंटर को हम लोग मिलाते हैं और उस कंडीशन में जो हमारे पास एंगल बनता है यहाँ पर सेंटर में, उस एंगल के ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो ये एंगल और ये एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते ही हो कि 180 डिग्री होता है दोनों का सम। तो हम सिंपल सा नाम लिख लेते हैं, मान लो कि ये हमारा नाम है P और ये वाला नाम है मेरा सेंटर का, नाम हम लोग नॉर्मली O रखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम A और इसका पॉइंट का नाम B में रख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पर लिखो कि हमारे पास लेट द एक्सटर्नल पॉइंट, जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया हुआ है वो कौन सा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास P है ना। तो हमारे पास जो टेंजेंट बन रहे हैं एंड टेंजेंट आर कौन कौन से हैं, तो एक हमारा AP है एंड दूसरा वाला हमारा BP है, ये दोनों टेंजेंट हैं। अब अपने को प्रूव क्या करना है, ये टू प्रूव करके लिखोगे यहाँ पर, ये मान लो अपन को गिवन था क्वेश्चन में, ये चीज़ें दी हुई थी, बस हमने नाम लिख दिया है। अपने को प्रूव ये करना है कि आपका ये वाला जो एंगल है इसका नाम मैं क्या रख दूँ, APB रख देता हूँ। तो एंगल APB जो है वो सप्लीमेंट्री है AOB का, यानी कि इन दोनों का जब मैं ऐड करूँगा तो दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री का यही मतलब ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रूफ क्या क्या है, बहुत ही आसान से बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा ये जो OA है ये PA के ऊपर क्या होगा, AP के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो OA हमारा जो OA है वो परपेंडिकुलर है PA के ऊपर, ठीक है। एंड जो हमारा OB है वो परपेंडिकुलर है PB के ऊपर, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इसलिए हमारे जो एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल यहाँ पर जो एंगल A बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल B बन रहा है, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B जो होगा वो भी इक्वल होगा 90 डिग्री का, इस वाले की वजह से, यानी टेंजेंट की वजह से। ये वाला हमारा थ्योरम है, हमने आपको 10.1 में पढ़ा रखा है। तो यहाँ से ही आपका शुरू होगा सॉल्व। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, एक ऐसा फिगर जिसके हमारे चार साइड होते हैं। तो देखो ये एक फिगर बन रहा है ना काइट की तरह, जिसके चार साइड हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा AOBP, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास चार एंगल है। एक एंगल है हमारा एंगल A, दूसरा है हमारा एंगल B, तीसरा है हमारा एंगल नंबर P जिसका नाम हमने APB रखा है प्रूव करने के लिए, और चौथा है एंगल O। तो इन चारों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। अब A और B दोनों हमारे 90-90 के हैं, तो 90-90 लिख लो, प्लस में एंगल P प्लस में एंगल O इक्वल को साइड में 360 हो जाएगा। 90-90 180 होता है, 180 को उधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल P प्लस में एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस में 180। तो P और O का जो सम आएगा वो निकल कर क्या आ जाएगा, 180। और यही तो हमने को लाना था, P के बदले में लिख दो डायरेक्ट एंगल APB और O के बदले में लिख दो एंगल AOB, जो अपने को प्रूव करना था, बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से तुम इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो, बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन है। अगर तुमको कोई भी डाउट हो तो तुम उससे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे कहीं भी डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब करे एक सर्कल को वो एक रोम्बस होगा, यानी कि सर्कल के ऊपर अगर अपन एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जो सर्कल पूरी तरीके से एकदम कवर कर रहा है, चारों साइड को वो टच कर रहा है सर्कल की, है ना, यानी कि सर्कल जो उसके चारों साइड को टच कर रहा है, तो वो जो पैरेललोग्राम होगा वो एक रोम्बस होगा, ऐसा प्रूव करना है। चलो कर देते हैं प्रूव। तो देखो यहाँ पर मैंने एक डब्बा बनाया है, एक पैरेललोग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है जिसके अंदर हमने एक सर्कल को भर दिया है। अब ये जो हमारा डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये जो हमारा पैरेललोग्राम हमने बनाया है इसे ही रोम्बस प्रूव करना है। तो कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है तुमको पता है, जब उसके चारों साइड बराबर हो जाए। अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है जिसको चारों साइड बराबर है तो वो हमारा एक रोम्बस होता है। तो अपने को ये चारों साइड को आपस में बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो जो हमने आपको वहाँ पर सिखाया था ना क्वेश्चन नंबर 8 में, वही वाला ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। बीच में कुछ कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास R है और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास S है, ये कुछ हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले तो प्रूव क्या करना है, या फिर आप लोग एक काम करो, तो लिख लो कि क्वेश्चन में तो ABCD नाम दिया नहीं था, तो इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, हमारे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो सर्कमस्क्राइबिंग देख लेना यार, स्पेलिंग वगैरह ना, मैं हिंदी मीडियम को तुम जानते हो, मैं स्पेलिंग बहुत बार गड़बड़ कर देता हूँ। तो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, अ सर्कल
एक सर्कल को, और कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, तो पी क्यू आर एस में इस तरीके से ये टच करके इसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अपने को प्रूव क्या करना है, सबसे जरूरी चीज़ तो ये है, तो अपने को प्रूव ये करना है कि जो हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया है वो एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही एकदम देखो बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत ही आसान सा मेथड, इससे आसान मेथड मेरे हिसाब से तुमको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ए है, इससे हमारा ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो पता ही है, यह है ना, तो या फिर एक काम करो, हाँ यही काम करो सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए पी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे ए एस के। ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमारा जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट वाला जो टेंजेंट निकालता है दो ठो, वो वाला रूल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर डिटेल में लिख लेना। तो ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो ये डी आर है और जो डी एस है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डी आर इक्वल टू मेरा डी एस। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास ए पी हमने ले लिया, ए एस ले लिया, डी आर और डी एस ले लिया। अब इधर से मैं सी आर और सी वी सी क्यू ले लेता हूँ, तो सी आर इक्वल टू हमारे पास सी क्यू हो जाएगा। और फिर से हमारे पास ये बी पी और बी क्यू ले लेता हूँ, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, सबका सेम रीजन है, सब तुमको पता ही है पहले से, जो मैंने एट्थ वाले क्वेश्चन में किया था पूरा वही काम कर रहा हूँ। ये चारों को ऐड करूँगा, ये मान लो मेरा इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन नंबर टू ले लो, इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लो, इसको फोर ले लो, और ऐड कर दो चारों को। ठीक है, तो जब चारों को हम ऐड करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने किया था, तो हमारे पास ए पी प्लस में हमारे पास बी पी है ना, ए पी और बी पी को पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, पूरा पूरा मेरे को ए बी चाहिए। उसी तरीके से मेरे पास जो सी आर है और प्लस में डी आर, मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ क्योंकि ऐड करना है। उसी तरीके से इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए एस प्लस में डी एस। ठीक है, ए एस हमारा ये वाला और डी एस ये वाला, ये देखो ए एस और डी एस, तो ए एस प्लस डी एस प्लस में हमारे पास सी क्यू और प्लस में बी क्यू, ये हमारा सीक्वेंस में ही दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पी और बी पी मिला करके मेरा ए बी बना लेगा, सी आर और डी आर मिल करके मेरे पास डी सी बना लेगा, या सी डी लिख सकते हो, ए एस और डी एस मिल करके आपका ई डी बना लेगा, और उसी तरीके से सी क्यू और बी क्यू मिल करके आपका बी सी बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारे साइड्स हो गए। अब इसमें एक नया चीज़ आपको क्या ऐड करना, जो क्वेश्चन नंबर एट में नहीं था, वी नो, हमको पता है, वी नो दैट, हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि हमारा जो ए बी होगा वो इक्वल होगा हमारे सी डी का, और उसी तरीके से जो बी सी साइड है वो इक्वल होगा हमारे ए डी साइड का। इज दैट क्लियर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड हमारे इक्वल है। तो मैं अब इसी चीज़ का यूज़ करूँगा यहाँ पर, मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर फाइव नाम दे देता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव, इक्वेशन फाइव में ए बी के बदले में मैं ए बी ही रहने देता हूँ, जो डी सी है, ठीक है, या सी डी कह लो, सी डी और डी सी एक ही चीज़ है, तो उसके बदले में मैं क्या करूँगा, ए बी लिख दूंगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं। उसी तरीके से ई डी के बदले में मैं ई डी रहने दूंगा, लेकिन बी सी के बदले में मैं क्या करूँगा, ई डी उतार दूंगा, क्योंकि बी सी और ई डी भी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से आपका टू ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा टू ए डी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए डी के। और यही हमारा जरूरी था, सबसे जरूरी चीज़ यही था। अब देखो क्या होने वाला है, हमको पता था कि ए बी सी डी की इक्वल है, ठीक है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है, हमने ए बी को और ए डी को भी बराबर कर दिया, यानी कि ए बी सी डी और ए डी तीनों बराबर हो जाएंगे अब तो। और उसी तरीके से हमको पता है कि ए डी और बी सी भी बराबर है, तो इसका मतलब कि ए बी और सी डी बराबर थे, फिर हमने वहाँ से ए डी को बराबर किया, तो ये तीनों बराबर हो गए, और ये पहले से बराबर थे, यानी कि अब ये चारों बराबर हो गए। तो अब लिखो तुम लोग, सो हमारा जो ए बी है वो तो सी डी के बराबर था ही पहले से, और वो बराबर हो गया है ए डी के, और ए डी बराबर किसके है, तो बराबर है बी सी के, यानी कि चारों के चारों साइड बराबर हो गए। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, जितने भी हमारे साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, सभी साइड्स हमारे इक्वल हैं, इसलिए ए बी सी डी इज अ क्या होगा, रोम्बस। खत्म क्वेश्चन का खेल। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आई होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 12th वाले क्वेश्चन के पास। सो 12th वाले बोला जा रहा है कि ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इन टू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी
आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो ये सी डी और ये जो बी डी है ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर में हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पर डी से, ठीक है। ये जो सी बी है वो क्या है, सर्कल के लिए हमारा टेंजेंट का काम कर रहा है, इसीलिए उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा गया इस पॉइंट को, ठीक है। फाइंड दी साइड ए बी एंड ए सी, तो आपको ये जो ए बी साइड है और ये जो ई सी साइड है इसे फाइंड करना है, कैसे करेंगे चलिए समझा देते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमने एक नया चीज़ यहाँ पर बनाया है। हमने क्या किया कि डायग्राम अपने को सिंपल सादा दिया था, तो हमने ए से ओ को, सी से ओ को और बी से ओ को ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे अपन, ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड सी ओ, ये काम करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन बहुत ईजिली बनता है क्वेश्चन भी, बहुत बच्चे लोग इसका हवा बना के रखें कि नहीं ये क्वेश्चन आ गया यानी कि छोड़ के आ जाना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो तुमको इसको बना करके आना है। देखो एकदम ध्यान से समझना, ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको निकालना क्या है वो देखो, हमको निकालना है ए सी का लेंथ और हमको निकालना है ए बी का लेंथ। आधा लेंथ हमको पहले से पता है, कैसे पता है, जैसे यहाँ पर नाम इसका, इस पॉइंट का नाम डी रखा हुआ था, अगर मैं इस पॉइंट का नाम ई रख दूँ, इसका मैं अगर नाम एफ रख दूँ, तो हमको पता है कि जो सी से डी तक की दूरी है वही सी से एफ तक की दूरी भी है। अगर यहाँ से यहाँ तक अपने को सिक्स दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक भी सिक्स होगा, उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एट है तो यहाँ से यहाँ तक भी एट ही होगा, ये चीज़ क्लियर है अपने को। बस ये ए से एफ तक और ए से ई तक अगर दूरी मिल जाए ना तो दोनों हमको जो लेंथ है वो पता चल जाएगा, और उसी दूरी को निकालने का यहाँ पर तिगड़म है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एक्स मान लेंगे, लेट ए एफ और इज इक्वल टू ए ई, ये चीज़ तो क्लियर है कि ए से एफ तक गया है और ए से ई तक गया है, यानी कि दोनों टेंजेंट जो है वो हमारे पॉइंट ए से बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये वाला पार्ट को भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, इसीलिए मैं भी एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारे पास जो सी डी है, ठीक है, सी डी वो इक्वल है सी एफ के और दोनों हमारे 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और उसी तरीके से जो बी डी है वो इक्वल है बी ई के और दोनों हमारे 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब यहीं से गेम शुरू करना है अपने को, हम लोगों को अगर अपने को पूरा ए बी निकालना हो, मान लो कि मुझे अगर पूरा ए बी निकालना है तो उसके लिए मुझे एक्स और एट को प्लस करना पड़ेगा, ए सी निकालना है तो सिक्स और इसको प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा 14 ही निकल करके आ जाएगा। तो नाउ अब हम लोग वही चीज़ करने ही वाले हैं, तीनों साइड निकालने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, इस ट्रायंगल का एरिया का यूज़ करना है, और एरिया का यूज़ करके अपने को ये साइड मिलेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं यहाँ पर आप लगा सकते। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए बी जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है। ए बी किसे किसे बना हुआ है, एक तो ये 8 वाला पार्ट और एक x वाला पार्ट, तो ये 8 प्लस x हो जाएगा। उसी तरीके से जो ए सी वाला साइड है वो हमारा दो पार्ट से है, एक 6 प्लस में x से, और जो सी बी है वो हमारा दो चीज़ से बना हुआ है, दो चीज़ क्या मतलब वही 6 और 8 है, तो 6 और 8 में बार लिख भी सकते हो तुम लोग चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट तुम इसको 14 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सभी सेंटीमीटर में है ना, ध्यान रखना। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हमको क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हों तो हमको क्या करना रहता है, एरिया निकालने के लिए वहाँ पर हीरोज फार्मूला लगाना पड़ता है। और हीरोज फार्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ तुमको, वैसे तुमको पता ही, क्लास नहीं थे पढ़े हो, जो नए बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको ए बी सी निकालना है तो रूट लगाइए, सबसे पहले लिखिए एस, फिर लिखिए एस माइनस ए, फिर लिखिए एस माइनस बी, और फिर लिखिए एस माइनस सी। ये एस क्या है, तो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड को प्लस करके टू से डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको एस बोलते हैं। एस माइनस ए क्या है, तो कोई भी एक साइड जो है, जैसे मान लो ए बी जो साइड है उसको मैं ए मान लेता हूँ, तो मैं जो भी सेमी पेरीमीटर नहीं मिलेगा उसमें से, जब मैं इस ए बी को माइनस करूँगा तो एस माइनस ए का वैल्यू मिलेगा। तो मैं सारे वैल्यूज पहले ही निकाल लेता हूँ, मैं एग्जाम में जब बनाता हूँ ना तो कभी मैं पूरा रूट रूट बार बार लगा के नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकालता हूँ। देखो किस तरीके से, सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस के लिए हमारा जो तीनों साइड है तो ये सभी साइड ऐड होंगे, 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स और प्लस में हमारा 14 ऐड होगा, और फिर इन सभी को हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड देना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस में हमारे पास 14 और 14 28, सॉरी 2 और x भी लिखना, प्लस में 28 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन लोगे तो x प्लस में 14 हो जाएगा डिवाइड बाई में 2, 2 से 2 को कर दो कैंसिल, तो x प्लस 14 जो है वो s की वैल्यू आ गई। अब मैं s माइनस ए का वैल्यू भी निकाल लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास x प्लस 14 जो s का वैल्यू है उसमें से माइनस कर दूंगा a को, a मान लो पहला वाला जो साइड है उसको मैं a मान लेता हूँ, ये वाला a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, और इसको मैं c मान लेता हूँ। तो जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस 8 भी हो जाएगा और माइनस x भी होगा, ध्यान रखना माइनस करने पर दोनों साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो x है, इस x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, 14 में से 8 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो s माइनस ए का वैल्यू जो है वो हमारा 6 निकल करके आ गया यहाँ से। उसके बाद अगर मैं s माइनस बी की वैल्यू निकालने जाऊँगा तो s के बदले में यही लिखना पड़ेगा पहले, फिर माइनस कर देते हैं b को, यानी कि 6 माइनस x को, तो यहाँ से भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा वैल्यू जो है 8 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से s माइनस सी जब करूँगा तो x प्लस में 14 में से माइनस कर दूंगा 14 को, ये c हमने किसको लिया था, 14 वैल्यू के लिया था,
14 14 कैंसिल होगा तो बचेगा x, तो ये मेरे तीनों का वैल्यू हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा नाउ एरिया, एरिया निकालने के लिए अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं अब फॉर्मूला का मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले लिख लिया है। तो सबसे पहले s आता है जो कि हमारे पास x प्लस में 14 था, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। फिर हमारा मल्टीप्लाई में s माइनस a है जो कि हमने 6 निकाल लिया, फिर s माइनस b है जो कि हमने 8 निकाल लिया, और फिर s माइनस c है जो कि हमने यहाँ पर x निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करनी है, कंप्लीट सॉल्व करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल कर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में 14 और 8 × 48 और प्लस में सॉरी ये प्लस बोलो मल्टीप्लाई में x, ठीक है, ये सभी मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारा एरिया निकल करके आ रहा है इक्वेशन के फॉर्म में, इसको तुम लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो कि मेरे को दोबारा अगर इसका एरिया निकालना हो, लेकिन मैं यहाँ पर हीरोज़ फार्मूला नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं दूसरा कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ, तो दूसरा फार्मूला मैं लगा सकता हूँ ये वाला, ये तरीका लगा सकता हूँ मैं, ए ओ सी जो ट्रायंगल है, फिर ए ओ बी जो ट्रायंगल है, और फिर बी ओ सी, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। देखो ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, और ये नीचे वाला पार्ट का एरिया, तो तीनों ट्रायंगल का जब एरिया निकलेगा तो कंप्लीट ए बी सी का एरिया निकल जाएगा, यानी तीनों ट्रायंगल के एरिया को जब मैं प्लस करूंगा तो कंप्लीट एरिया निकल करके आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको करना है कि ऑल्सो, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का अगर एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ कि कौन कौन सा ट्रायंगल है, तो ए ओ बी नाम का ट्रायंगल प्लस में ए ओ सी नाम का ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी और प्लस में ट्रायंगल बी ओ सी, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं प्लस करूँ तो भी मेरा ए बी सी का कंप्लीट एरिया निकल करके आने वाला है। तो अब तीनों का एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो ध्यान से देखना, ए ओ बी जो है मेरा, देखो यहाँ पर ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, इधर वाली की बात हो रही है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेस और मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा इसका हाइट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एकदम परपेंडिकुलर जब लाइन बनाते हैं किसी भी बेस का यूज़ करके तो वो हाइट कहलाता है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइट हो जाएगा। अब बोलोगे सर हाइट का लेंथ कितना है, तो ये हमारा क्या है रेडियस है ना, ओ से लेकर ई तक, तो रेडियस अगर अपने को 4 दिया था तो ये भी 4 हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो ओ एफ है ये भी मेरा 4 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए बेस मैं ले लूँगा ई बी को और हाइट ले लूँगा मैं ओ ई को, तो एक बार मैं लिख भी लेता हूँ नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। देखो 1/2 होगा मल्टीप्लाई बेस, तो बेस हमारे पास जैसे कि मैंने बताया ए बी होगा, और मल्टीप्लाई हाइट जो है वो OE हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। प्लस की साइन लगाओ, AOC अगर ट्रायंगल देखोगे तो उसमें वही चीज आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस जो कि हमारा AC है और मल्टीप्लाई हाइट जो कि हमारा OF है, ठीक है। फिर प्लस की साइन लगाओ, BOC के अंदर भी हमारा वही चीज होगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस यानी कि BC आ जाएगा और मल्टीप्लाई हाइट जो है हमारा वो OD निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व ही करेंगे, टेंशन ना लो। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो 1/2 जो हमारा दिख रहा है इसको अपन कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/2 जब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ है ना, तो यहाँ पर एक सेकेंड ना, 1/2 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो मेरा काम आसान होगा या मुश्किल होगा वो देख रहा हूँ पहले। नहीं नहीं कॉमन निकालने से काम आसानी होगा, तो ये हम लोग कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो 1/2 को अगर अपन कॉमन ले लें तो ए बी मल्टीप्लाई ओ ई कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हमने कितना देखा है, ए बी जो है हमारे पास वो एक्स और फिर प्लस में 6 हो जाएगा, नहीं नहीं एक्स प्लस में 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओ ई जो है वो 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन लोग का वैल्यूज हम लोग कहीं पे साइड में फाइंड कर लेते हैं, कहाँ पे फाइंड कर लूँ कहीं पे इधर ही रफली मैं तुम लोग को फाइंड करके दिखाता हूँ, कोई पेज ले लूँ क्या, चलो यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। देखो तुमको समझ में आ जाएगा, हमारे पास है क्या ए बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ओ ई है, ये दो पार्ट है, तो ए बी हमारा एक्स प्लस 8 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ओ ई जो है वो 4 है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये बन जाएगा 4x प्लस में 4 8 जो हमारा 32, तो 4x प्लस में 32 निकल करके आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, ये वाले का वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वही चीज़ लिख देता हूँ 4x प्लस में 32, उसी तरीके से मैं इनका कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लिए हैं, वो वैल्यू मैंने कैसे निकाला है, तो वही चीज़ AC और OF का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4x प्लस में 24 आ गया। यहाँ पर से हमारे पास ये देखो x प्लस 6 और 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पर किया था ना उसी तरीके से मैंने रफली कुछ चीज़ें बना ली है ताकि मैं जल्दी जल्दी तुम लोग को समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 4x प्लस में 24 आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं जब BC प्लस OD करूँगा तो BC हमारे पास कितना है, हमारे पास BC जो है 6 प्लस 8 यानी कि 14 है, और OD जो है वो 4 है, तो 14 8 हमारे पास 14 4 यानी कि हमारे पास 56 हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ इतना काम करने से, मुझे ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 4x और 4x हमारे पास 8x हो जाएगा, इन सभी को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा 112 आ जाएगा।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 के टेबल में 8 भी आता है और 8 के टेबल में 112 भी आता है। तो जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा 8 को, तो 1/2 हो जाएगा, 8 बाहर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। यहाँ पर x बचेगा और प्लस में 14 बचेगा, क्योंकि 8 का टेबल 14, 8 जाएगा 112 होता है। 2 का टेबल से ये 4 टाइम पे कट हो गया, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 या 14 प्लस एक्स, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, 14 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 14। मैं एक्स प्लस 14 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस 14 हमने लेकर आया था। तो ये भी जो है वो एरिया है, ये किसका एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि हमने इन सभी का एरिया निकाल करके ऐड किया तब इतना निकल करके आया। इसको तुम लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर से शुरू होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहीं पर मैं बना देता हूँ, हम लोग को ये पता है कि दोनों एरिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल के एरिया, दोनों पार्ट जो होंगे आपस में बराबर होंगे। यानी ये वाला जो हमने लिखा था रूट के अंदर एक्स प्लस में 14 और मल्टीप्लाई में कितना था, 48x था, ठीक है, 48x, ये वाला पार्ट इक्वल होगा 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 के, ठीक है। ये पार्ट हमारा दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, उसी ट्रायंगल के एरिया है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही चीज़ है। तो अब इससे फायदा क्या हो ये मत देखना, ये बस मैं अपने समझने के लिए बनाया था, तुम लोगों को शॉर्टकट समझाने के लिए, इसमें ध्यान दो। तो यहाँ पर अब हमारे पास हम लोग क्या करना है अपने को, तो यहाँ से रूट हटाना है, रूट हटेगा तभी कुछ बनेगा, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड का तुम स्क्वायर करोगे तो उससे फायदा क्या है, इधर से तुम्हारा ये हट जाएगा, ये x प्लस में 14 और मल्टीप्लाई में हमारा 48x हो जाएगा, ये हमारा हट गया। इस साइड में हमारा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये जो x प्लस 14 है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी अभी आपको स्क्वायर यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लगाना है, आसान तरीका क्या है कि x प्लस 14 यहाँ पर भी आ गया, इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से तुम्हारा 48x इक्वल टू हो जाएगा ये तुम्हारा 16, और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 14 दो बार है, है ना, स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 14 हमारे पास दो बार है, और ये जो है हमारा मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर के x प्लस 14 इक्वल डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो अब आपका आंसर जो बहुत ईजिली आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 48x इक्वल टू साइड में 16 का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x आ जाएगा, और 16 का जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 224 निकल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग 16 को पहले इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 48x माइनस में 16x हो जाएगा इक्वल टू साइड में 224 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 में से 6 माइनस हो तो 2 और ये हो जाएगा 3, तो 32x इक्वल टू 224 आ गया। x की वैल्यू निकालने के जब उधर ट्रांसफर करोगे और डिवाइड करोगे 32 से इसको, तो कटपीट होकर के लास्ट में तुम्हारा 7 बचेगा। तो x का जो वैल्यू है वो 7 निकल करके आ गया, और अगर x का वैल्यू 7 है, इसका मतलब कहाँ गया डायग्राम मेरा, ये वाला, यहाँ पर भी ये 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो AC में 7 प्लस 6 हो जाएगा और AB में 7 प्लस 8 हो जाएगा, बस खत्म खेल। तो कुछ इस तरीके से उस लास्ट में लिख भी देंगे, तो इसलिए जो AB है वो हो जाएगा x प्लस में, वहाँ पर हमारे पास AB 8 था, यानी कि 7 प्लस 8 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से जो AC है वो हो जाएगा x प्लस में कितना था, 6 था ना, हाँ x प्लस 6 था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 प्लस में 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये बन गया बबुआ तुम्हारा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली बन सकता है, और इसी मेथड से अगर तुम लोग बनाओ ना तो बहुत आसान है, सबसे ईजिएस्ट मेथड है ये, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश करना इस मेथड से बनाने का, प्रैक्टिस जरूर करने एक दो बार। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और उसको भी फटाफट बना लेते हैं। सो लास्ट में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स होंगे, अगर उससे सर्कल के सेंटर में एंगल बनाया जाए तो वहां पर जो एंगल बनेंगे ना वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। चलो डायग्राम के थ्रू समझाऊं कि कौन से एंगल को बोल रहा है सप्लीमेंट्री। तो देखो एक्चुअली बोल क्या रहा है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को पूरी तरीके से। अब इसके जो अपोजिट साइड्स हैं उससे जब सेंटर में एंगल बनाएंगे, जैसे कि मान लो ए से ओ मिलाओ, बी से इसको मिलाओ, ये सेंटर हमारा ओ रहता है नॉर्मली, तो ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। उसी तरीके से सी से ओ को मिलाओ और डी से ओ को मिलाओ, तो ये एंगल और ये एंगल आपको प्रूव करना है कि इक्वल है। उसी तरीके से ये भी और ये भी तो साइड है, तो अपने को ए ओ डी और बी ओ सी जो है इधर से भी आपको इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को भी इक्वल करना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले तुम यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाओगे, ज्वाइन करोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे। पहले तो लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, या फिर सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल बोला था ना, तो हम अपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल सरकमस्क्राइबिंग, क्या क्या बोलते हैं यार, सरकमस्क्राइबिंग बोलते हैं ना, सरकमस्क्राइबिंग, हाँ ठीक है, सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल को सरकमस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर आप लोग कुछ पॉइंट बनाओ, जैसे कि यहाँ पर मान लो हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप लोग ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे
ऐसे ऐसे और ऐसे। अब आपके पास यहाँ पर देखो पहले जो चार एंगल दिख रहे थे बड़े बड़े जो चार एंगल हमने बनाए थे अब वो बीच बीच से कट हो गए हैं तो टोटल आठ एंगल हो गए हैं। अब आपको इन एंगल्स का ही नाम देना है। कैसे नाम देना है, जैसे कि मान लो नीचे वाला ये मेरा एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर है, ये इसको एंगल फाइव दे देता हूँ, इसको एंगल सिक्स देता हूँ, ये सेवन हो गया और ये एट हो गया, ये आठवें एंगल का नाम हो गया ना। अब बस यहीं से तुमको चीज़ों को शुरू करना है। कैसे शुरू करेंगे, तो आप लोग पहले तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ए पी ओ और ए एस ओ इसको पकड़ो, इन ट्रायंगल या फिर किसी को भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा था मैं इसलिए इसको पकड़ ले रहा हूँ, तो ए पी ओ हो गया एंड ट्रायंगल ए एस ओ हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में आपको पता है कि जो ए पी है वो ए एस के बराबर होगा क्योंकि वही हमारा 10.2 वाला जो थ्योरम था वो थ्योरम यहाँ पर वर्क कर रहा है ना, एक्सटर्नल वाला हमारा टेंजेंट बना रहा है। उसके बाद जो ए ओ है वो दोनों में आ रहा है तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ है ना, हमारा कॉमन साइड हो रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो ओ एस है और ये जो ओ पी है दोनों रेडियस है, है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पी ओ, इसका वाला पी ओ नाम दे देता हूँ और इसका नाम एस ओ दे देता हूँ, यही वाला लाइन है पी ओ मतलब कि ये लाइन और एस ओ मतलब कि ये लाइन, तो ये दोनों हमारे रेडियस हैं इसलिए हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों जब साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हमारा ए पी ओ जो होगा वो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए एस ओ के। और अगर ये सिमिलर हो गया है ना, कौन से रूल से, साइड 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 वाले रूल से, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब कि हमारा जो एंगल वन होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर एट का। और कौन से रूल से हुआ इक्वल, तो सी पी सी टी से इक्वल हो गया। एंगल वन और एंगल एट जैसे तुमने इक्वल प्रूफ किया है उसी तरीके से तुम्हारा सारा का सारा एंगल आपस में इक्वल होगा, ये जो टू है वो थ्री के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा पूरा प्रूफ नहीं करते रहेंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा उससे, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली क्योंकि तुमने एक बार करके दिखा दिया है। तुम लिखोगे एंगल टू जो है वो एंगल थ्री के इक्वल है, एंगल जो थी हमारा फोर है ये वाला एंगल फोर वो एंगल फाइव के इक्वल है, तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल नंबर फाइव। फिर जो हमारा एंगल नंबर सिक्स आएगा यहाँ पर वो एंगल सेवन के इक्वल होगा जब आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यूज़ करोगे, तो एंगल नंबर सिक्स इज इक्वल टू एंगल नंबर सेवन। अब आप सभी को ऐड कर दो नाउ, ठीक है, ये आप लोग मान लो इक्वेशन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो नाउ जब मैं सभी को ऐड करूँगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जब एक पॉइंट के चारों साइड या किधर मतलब एक कोई भी पॉइंट है उसके चारों तरफ हमारा जब एंगल बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट एंगल होता है इसका जो हमेशा वैल्यू निकल करके आता है वो 360 निकल करके आता है। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल वन को, एंगल टू को, एंगल थ्री को, एंगल फोर को, एंगल नंबर फाइव को और एंगल नंबर सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट करूंगा तो सभी का सम 360 आएगा। मुझे मेन लेकर के आना है 180। देखो कैसे आएगा, कि बहुत आसानी से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले तुम्हारा एंगल वन जो है उसको एंगल वन ही रहने दो, ठीक है। एंगल टू और एंगल थ्री थे इक्वल ना, तो एंगल टू प्लस में एंगल टू कर दो, ठीक है, यानी कि थ्री के बदले में यहाँ पर टू कर देते हैं। फोर और फाइव इक्वल थे हमारे पास, तो फोर और फाइव में हमको जरूरत किसका पड़ने वाला, अपने को फाइव को जरूरत पड़ रहा है क्योंकि मैं वन टू को और ये देखो ये वाला जो एंगल था और इधर वाला जो एंगल है ना मैं इसको इक्वल प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वन टू का जरूरत पड़ेगा और फाइव सिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो बस मैं वही चीज़ों को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो फोर के बदले में मैं एंगल फाइव लिख लेता हूँ और फाइव के बदले में तो फाइव लिखूंगा ही, एंगल सिक्स के बदले में एंगल सिक्स रख देता हूँ, एंगल सेवन के बदले में भी एंगल सिक्स लिख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल थे देखो सिक्स और सेवन। एंगल एट और एंगल वन इक्वल थे तो मुझे एंगल एट का तो जरूरत ही नहीं, मुझे एंगल वन का जरूरत है, तो एंगल वन कर लो, इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ पर सभी एंगल ऐड हो जाएंगे तो आपका टू देखो यहाँ पर कॉमन, टू एंगल वन, टू एंगल टू, टू एंगल फाइव, टू एंगल सिक्स इस तरीके से आएगा। तो सभी में से डायरेक्ट टू कॉमन लेता हूँ मैं, बचेगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव और प्लस में एंगल नंबर सिक्स इक्वल को साइड में 360। तो यहाँ से टू को जब उधर ट्रांसफर करूँगा तो एंगल वन प्लस एंगल टू जो होगा उसमें प्लस कर दो एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स और टू उधर जाकर के 360 को डिवाइड करेगा तो 180 डिग्री ले आएगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका वन प्लस टू प्लस फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू 180 आ गया। वन प्लस टू कौन सा था, देखो वन और टू मिलकर के ए ओ बी बना रहे थे और ये तो अपने को प्रूव करना था, है ना। शुरू में मैंने लिखा नहीं था उस चीज़ को, वो चीज़ तुमने लिख लेना कि टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, यानी कि सप्लीमेंट्री। ये चीज़ ना यहाँ पर मैं साइड में बता भी देता हूँ कि लिखना क्या है अपने को, टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना था कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है उसमें अगर प्लस करें अपना एंगल सी ओ डी को तो वो 180 डिग्री निकालेगा। और उसी तरीके से एक चीज़ और कि हमारा जो एंगल ए ओ डी है अगर उसमें प्लस करें अपन एंगल बी ओ सी को तो वो भी हमारा 180 डिग्री निकाल के दिखाएगा। तो ये चीज़ अपने को प्रूव करना था, वो यहाँ से आ गया, देखो वन और टू मिल करके मेरा ए ओ बी बना रहे हैं तो ए ओ बी हो जाएगा, प्लस में फाइव और सिक्स मिलकर के बी ओ सी बना रहे हैं तो बी ओ सी हो जाएगा इक्वल क्वेश्चन में 180, पहला चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से फिर सिमिलरली करके लिखोगे क्योंकि दूसरा प्रूव करने के लिए फिर इतना लंबा चौड़ा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली हमारा जो एंगल ए ओ डी बनेगा ना उसमें जब हम लोग प्लस करेंगे एंगल
नहीं यार यहाँ पर बी ओ सी में गलती से लिख दिया, बी ओ सी नहीं होगा, ये मेरा सी ओ डी होगा, सॉरी सॉरी, ये डी है और ये मेरा सी है। तो ए ओ डी प्लस में बी ओ सी जब हम लोग करेंगे तो वो भी हमारा 180 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग करके निकाल लेंगे उसको भी, तो निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा तो तुमको भी इसी तरीके से शॉर्टकट में बनाना है। यहाँ भी सिमिलरली वर्ड यूज़ कर देना है, लास्ट में भी सिमिलरली डाल देना है, तुम्हारा काम हो जाएगा और हैंस प्रूव्ड। और इसी प्रूव के साथ तुम्हारा ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। आई होप तुमको पूरा का पूरा एक्सरसाइज ऐसे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ आजकल ना, बहुत सारे कमेंट आने लगे तो इसलिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के मुझसे डिस्कस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।